गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर और भ्रूण का जाँच और जेनेटिक रोगों की जाँच एवं परीक्षण करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम YouTube कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस को लेके उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इफ डोल मार्कर पॉजिटिव एंड NIPT इज नॉर्मल, देन व्हाट शुड आई डू? दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, इज दैट व्हाट इज एक्चुअली डुअल मार्कर। डुअल मार्कर इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर we see whether there is a down syndrome possibility or not. Now for this possibility, if we assess the risk out of which there is a risk, this is a screening test. Now if you go for another screening test, this is also a screening test. If this is normal, very high chance that the baby will be normal, but there is a catch that it is also not 100%. So you are asking a confirmation of a screening test by confirmation by another screening test. If you are comfortable with the NIPT result, no problem. But my point is that if there is risk explained by any system, then it is better to do a diagnostic test. This diagnostic test for Down syndrome, trisomy 21, you can do CVS, or the gold standard is amniocentesis. So better to do amniocentesis. This is my view. Any time, either with NIPT high risk or double marker high risk, whosoever gives a high risk report, then it should be confirmed by amniocentesis. Sir, क्या लेट्रोजोल टैबलेट बार बार लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नॉर्मली लेट्रोजोल बड़ी सेफ दवाई है और बहुत यूज होती है मैलिग्नेंसी में, और उसमें बहुत लंबे समय से यूज होती आ रही है, और ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए हम केवल उसको 5 दिन देते हैं, तो हम इवन 3-4 महीने भी उसको लेकर ट्राई करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं होता। इट इज़ अ सेफ ड्रग, डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट ऑफ डर्मोइड सिस्ट इन ओवरीज, कई बार हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमको ओवरी में, जैसे ये बच्चेदानी है और ये ओवरी है, ओवरी में हमको एक डर्मोइड दिखता है। डर्मोइड एक तरह का आप बोल लीजिए ट्यूमर का पैटर्न है डर्मोइड, बट मैलिग्नेंट नहीं होता अधिकतर, मतलब ये कैंसर नहीं बनता। यदि ये वैसे ही पड़ा है और आप दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनफर्टिलिटी का, तो नॉर्मली ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि उसमें कोई चेंज आ रहा है या बड़ा हो रहा है, तब उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अदरवाइज डर्मोइड का जो ट्यूमर होता है वो शांत रहता है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने गायनिक से मिलके उसका एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि उसको ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी पत्नी को सिकल सेल है और मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है? आपके बच्चे को सिकल सेल तो नहीं होगा, सिकल सेल का कैरियर हो सकता है, इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। बाकी जो टेस्ट है वो जरूर करा लीजिए, कि डाउन सिंड्रोम वगैरह के जो टेस्ट होते हैं जो हम रेगुलरली करते हैं वो जरूर करवा लीजिए। एप्ला टेस्ट एवर्शन की बात क्यों करते हैं? देखिए, कोई भी टेस्ट में एक स्ट्रेस भी होता है, खर्चा भी होता है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत कन्फर्मेटरी भी नहीं होते हैं, बट जब रिपीटेड एबॉर्शंस होते हैं, खासकर ऐसे केसेस में जिसमें कि फीटल हार्ट, मतलब बच्चे की धड़कन दिखी और 8 से 10 हफ्ते के आसपास ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, हार्ट बीट बंद हो गई, तो ये माना जा सकता है कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी के कारण ये चीज हो रही है जिसमें बच्चा रिजेक्ट हो रहा है। उसमें जब हम टेस्ट कराते हैं तब हम उसमें उसका इम्पोर्टेंस देते हैं, अदरवाइज एबॉर्शन के पहले हम एप्ला टेस्ट क्यों कराएंगे? सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमको
सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।